मोदी पहुंचे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है। आज की प्रार्थना सभा में वे भी सम्मिलित होने के लिए यहां पधारे हैं। अंधियारों में तूफानों की गति लेकर चलने और सृजन और प्रलय से एक साथ खेलने वाले राष्ट्र के इस अनन्य पुजारी श्रद्धेय अटल जी को देशवासियों का कोटिशह प्रणाम। माननीय उपराष्ट्रपति जी का भी आगमन हो चुका है। अटल जी हमारे अटल ही रहेंगे। वो भाषा का जादू, वो संयम का सागर, वो लेखन भरा जिसने गागर में सागर, वो कल थे हृदय में, वो कल भी रहेंगे। अटल जी हमारे अटल ही रहेंगे। पश्चिम से सूरज निकलते नहीं है, जो होते हिमालय वो टलते नहीं है। भाषण और भाषा का अंदाज न्यारा, रहे जिंदगी भर चमकता सितारा। जो निश्चल गए हैं वो निश्चल रहेंगे। अटल जी हमारे अटल ही रहेंगे। अटल जी जैसे महान व्यक्तित्व जाते नहीं हैं, वो जीते हैं, वो जी जाते हैं, वो जीते हैं हजारों करोड़ों भारतीयों के हृदय में। जब दिवाकर पूर्व में उगना और पश्चिम में अस्त होना छोड़ देगा, तब तक इस भारत भूमि के कण कण में अटल जी हैं, बसे हुए हैं। श्रद्धेय अटल जी हमारा आदर्श हैं, जिन पर ये देवी पूज्य धरा अभिमान करते थकते नहीं है। होनहार खुददार और ऐसे ओरेटर कि अगर बोलने लगे तो लोग सर से पांव तक कान बन के सुनते थे। माननीय राष्ट्रपति महोदया, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हो चुका है आज के इस कार्यक्रम में, प्रार्थना सभा में। अटल जी कहते हैं, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती पर उग आया नव अंकुर, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रात नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। और अब माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी गणमान्य जन श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करने, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पधार रहे हैं। कोई बाधा कोई चुनौती अटल जी के होंठों से ये बासंती स्वर छीन नहीं पाए। माननीय राष्ट्रपति महोदया, फूलों की माला अर्पित करते हुए उस महान विभूति को, श्रद्धेय अटल जी को भावांजलि, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि। अटल जी के पदचिन्ह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। युग पुरुष अटल जी, उनकी स्मृतियों को शत शत प्रणाम। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय राजनीति के शलाका पुरुष श्रद्धेय अटल जी भारतीय राजनीति के ऐसे ध्रुव तारे हैं जिनकी दिशाओं पर सदा चर्चा होती रहेगी। और अब उपराष्ट्रपति महोदय,
श्री जगदीप धनखड़ जी, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे श्रद्धेय अटल जी को। आज मानवता व्यथित क्यों, विश्व क्यों गंभीर है, हर हृदय संतप्त क्यों, क्यों नयन में नीर है। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में, मेरे जीवन, मेरी सोच, मेरे आदर्शों, मूल्यों पर जो छाप श्रद्धेय अटल जी ने छोड़ी है, जो विश्वास उन्होंने मुझ पर किया है, उसने मुझे गढ़ा है, हर स्थिति में अटल रहना सिखाया है। और पूर्व राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी और सभी हरिवंश राय जी और सभी गणमान्य महानुभाव पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं श्रद्धेय अटल जी को। श्रद्धेय अटल जी को संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं डॉक्टर जसपिंदर नरुला जी। आप एक जानी मानी पंजाबी तथा हिंदी एवं क्लासिकल तथा सूफी गायिका हैं। आपने कई पंजाबी तथा हिंदी बॉलीवुड फिल्मों में भी प्लेबैक सिंगिंग की है। आपको कई प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। तो प्रस्तुत है श्रद्धेय अटल जी को संगीतमय श्रद्धांजलि। कलाकारा हैं डॉक्टर जसपिंदर नरुला जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।